ययाति राजा की कथा आती है। ययाति का मोह वर्णन, किस तरह से वो मोहित है। यहां पर एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा, जीवन भर याद रखना, भोगान भोक्ता वयमे भोक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमे जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये उल्टे हमें भोग डालते हैं। सुन लीजिए, ये जितने भी आप देखते हो ना, ये गाड़ी बंगला ये वो अटरम सटरम, इनको आप नहीं भोग रहे, ये आपको भोग रहे। कैसे मान ले इस बात को, मनवा देते हैं। इनको भोगते भोगते आपका बचपन गया कि नहीं, इनको भोगते भोगते आपकी जवानी गई कि नहीं, इनको भोगते भोगते बुढ़ापा गया कि नहीं, अब क्या बची है, सिर्फ मृत्यु। और इन्हीं को भोगते भोगते एक दिन मृत्यु भी आ जाएगी। तो जिसे भोगा जाता है वही खत्म होता है, जो भोगता है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो भोग तो कभी खत्म होते नहीं है, जिनको मैं सुख कहता हूं वो तो कभी खत्म होते नहीं है। खत्म तो होता है सुख को लेने वाला। आप बताइए, भोग खत्म हुए कि हम खत्म हुए हैं? हंसा उड़े चले अपने देश, जगत में कोई नहीं अपना रे। जगत में कोई नहीं है। इन्हीं भोगों को भोगते भोगते हमारी मृत्यु के नजदीक हम पहुंच जाते हैं। इसलिए ययाति के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भोगों में ज्यादा लिप्त न रहें, संसार में रहकर संसार को बनाने वाले परमात्मा का आश्रय लें, परमात्मा का स्मरण करें। और जब जीव परमात्मा का आश्रय लेता है तो फिर जीव को किसी और का आश्रय लेने की जरूरत शेष नहीं बचती। कथितो वंश विस्तार भवता सोमये सूरयो राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को जरा विस्तार से सुनाइएगा। एक बात और बता देते हैं, कृष्ण से प्यार करना कौन कौन चाहता है? अगर चाहते हो कृष्ण से प्रेम करना तो कृष्ण के बाल चरित्रों को जरूर श्रवण किया करो। कृष्ण के बाल चरित्रों को जरूर श्रवण किया करो। बाल चरित्रों में हमें कई भाव प्राप्त होते हैं, जैसे मैया यशोदा का भाव है, मात्र प्रेम है, पितृ प्रेम है नंद बाबा के प्रति, जो बाबा नंद बाबा जो रखते कृष्ण के प्रति, साक्ष्य प्रेम है ब्रजवासी रखते हैं, गोपियां रखती हैं, मित्र भाव है। ये कई ऐसे भाव हैं जो हमें ब्रज की लीलाओं में श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। तो ब्रज की लीलाएं जो श्रवण करते हैं लोग, उन्हें भगवान से प्रेम करने का सहज ही स्वरूप जो है मार्ग प्राप्त हो जाता है और वो स्तर बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान की जो यहां से आगे लीला प्रारंभ होंगी वो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में हमको सुननी चाहिए। एक बार नहीं, सदा सेव्य हमेशा सुनते ही रहो, हमेशा ही सुनते रहो। कभी तो होगा भाई साहब कपड़े में कोई दाग लग जाए, हैं जी, कपड़े में कोई दाग लग जाए, आप उसे धोते रहो साफ नहीं होगा। अब एक बार दो बार धो के कह दो साफ नहीं हो रहा, लगे रहे, अच्छे अच्छे दाग साफ हो जाते हैं। जीवन में इतने पाप रूपी दाग लगे हैं, उनको धोना है, उनको साफ करना है। तो मेरे ठाकुर जी की कथा रूपी साबुन इस पे रगड़ता रहे, अपने आप साफ हो जाए। और जिस दिन साफ हो गया उसी दिन तेरे दिल में खुले हैं बजाना, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं जय हो, खुले हैं जय हो।
भगवान की बाल लीलाएं हमें प्रेम प्राप्त कराती हैं। इसलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान के अब समय हो रहा है ना, आस्था पे लोग कृष्ण जन्म महोत्सव नहीं देख पाएंगे, ये तो मैं बीच बीच में आपको आनंद दिलाता रहता हूं। आस्था वालों को तुम टेलीफोन करो चकाचक सब मिलके, मैं नंबर अभी कल वाली कथा में दे दूंगा। बोले कथा को कम से कम 8:30 बजे तक दिखाया करो, तो एक कथा में 100-100 भजन गाऊंगा मैं। अब कथा भी जल्दी जल्दी पूरी करनी है क्योंकि आनंद सबको मिलना चाहिए, नंबर में कल दे दूंगा आपको, ठीक है बैठ जाओ। और ये आस्था वाले भी सुन ले, अगर नंबर नहीं चाहते हो न दू तो थोड़ा समझ रहे हो, हाँ बैठ जाओ आप, एक बार प्यार से बोले